दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से ऋषि लक्ष्मी को लेकर घर के सामने इंटर तो करता है, लेकिन ऋषि की मॉम नीलम साफ साफ बोल देती हैं कि अगर तूने लक्ष्मी को इस घर में लेके आया तो सोच लेना हमसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। और जिसके बाद में ऋषि भी फिर शांत नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऋषि भी साफ साफ बोलता हुआ नजर आएगा कि ये घर जितना सभी लोगों का है इतना मेरा भी है, क्या मैं अपनी जिंदगी आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है मुझे, क्या मैं शादी नहीं कर सकता। और वाकई में ऋषि अपनी बात से सभी को एक बार फिर से इम्प्रेस करता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन वहीं नीलम की बात की जाए तो ऋषि की मॉम नीलम अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि मलिष्का लगातार भड़काती हुई नजर आ रही हैं। मलिष्का का मानना यह है कि लक्ष्मी इस घर के लायक नहीं है, तो लक्ष्मी को इस घर में क्यों ही आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी को आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी को इस घर से निकालने के लिए हर तरीका की साजिश का सामना कर रही है इस वक्त मलिष्का। क्योंकि मलिष्का का मानना यह है कि लक्ष्मी को मैं इस घर में मैं बल्लू के लायक भी नहीं समझती हूँ, बलविंदर जैसे गुंडे के लायक भी नहीं है लक्ष्मी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड में जहाँ आयुष और ऋषि करने वाले हैं बहुत बड़ा खुलासा, वो भी मलिष्का के लिए। जी हाँ, क्योंकि मलिष्का की हरकतों के बारे में अब ऋषि और आयुष बताते हुए नज़र आने वाले हैं कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था मलिष्का और ऋषि के बीच में, और ये पूरी तरीका से किस साजिश चली थी मलिष्का ने। क्योंकि मलिष्का का अब सबसे घिनौना चेहरा और सबसे असली चेहरा लोगों के बीच में आ रहा है, क्योंकि मलिष्का को लग रहा था कि तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कितना कांड कर लो। लेकिन अब फाइनली सब लोगों को पता चल चुका है कि मलिष्का कितनी ज़्यादा गिरी हुई हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती हैं, और मलिष्का की हर चाल पर नज़र तो बनी हुई ही है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों के सामने रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।